अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, उसके सिक्स लेवल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, पेडागोजी में, टीचिंग मेथोडोलॉजीज में। ब्लूम टैक्सोनॉमी के थ्री मेन डोमेन्स कौन कौन सी हैं? नंबर वन, कॉग्निटिव नॉलेज। कॉग्निटिव का ताल्लुक इंसान की जानत से होता है, क्रिएटिविटी से होता है, थिंकिंग पावर से होता है। कॉग्निटिव नॉलेज कितने और मेंटल स्किल्स या किसी भी बच्चे की मेंटल स्किल्स क्या हैं। नंबर टू, अफेक्टिव एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में, आगे ग्रो करने में, अफेक्टिव एटीट्यूड और इमोशंस। नंबर थ्री, साइकोमोटर स्किल्स। बच्चे की जितनी होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जितने उसके छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी स्किल्स, और ग्रास मोटर स्किल्स जितने उनके बड़े बॉडी पार्ट्स हैं। छोटे बॉडी पार्ट्स में आते हैं जैसे हैंड्स की मूवमेंट आती है, दैट इज़ कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स। और इनसे बच्चे अपने बाजू को मूव करते हैं, जंप करते हैं, टांगों को मूव करते हैं, होल बॉडी को मूव करते हैं, दैट इज़ ग्रास मोटर स्किल्स। और दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइकोमोटर स्किल्स और फिजिकल स्किल्स। बच्चे की फिजिकल स्किल्स कितनी हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। इंसानी कॉग्निशन के, ह्यूमन कॉग्निशन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके दरमियान फ़र्क को कायम रखने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, दैट इज़ थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग चीज़ों को सोचना, लर्निंग फिर उनको उनके बारे में सीखना, एंड अंडरस्टैंडिंग उनको कम्प्लीटली समझना। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।